नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान नई दिल्ली के सहयोग से राजेश्वरी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से काशी विद्यापीठ ब्लॉक अंतर्गत बच्छाव स्थित महामना मालवीय द्वार आलेख में आयोजित 3 दिवसीय विज्ञान मेला के अंतिम दिन शनिवार को पॉपुलर साइंस लेक्चर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी के इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इसके बाद सभी अतिथियों ने छात्रों द्वारा लगाए गए विज्ञान के मॉडल्स प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां छात्रों ने विज्ञान के विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार के आकर्षक मॉडल्स को बनाया था। दीपक सैनी और लास्ट कितने लोग हैं इसमें? 4 लोग। नाम बताओ। अनुराग पांडे। तत्पश्चात वक्ताओं ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सहित खाद्य वस्तुओं में हो रही मिलावट पर अपने विचार व्यक्त किए। मेडिकल साइंसेस, जैसा कि मेरा विभाग है कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी कहते हैं, तो हमारा सोसाइटी से इंटरेक्ट करना, डिजीज़ के प्रिवेंशन के बारे में बताना हर एक ग्रुप को, बच्चों को, एडोलेसेंट्स को, जो तरुण है, जो जवान है, जो बूढ़े हैं, सबको बताना रोगों से खासकर कैसे बचा जा सकता है। सर, आज आप कहाँ पे आए हैं, कैसा प्रोग्राम है, कितनी आपको? आज जो है इनकी संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है राजेश्वरी फाउंडेशन की तरफ से। इसके लिए पहले तो हमें इतने युवा दिमाग के प्रति, युवा रचनाकारों के सामने बोलने का मौका मिलेगा, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात इन लोगों को बता सकता हूँ, अपनी बात इन लोगों को समझा सकता हूँ। अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चों का हेल्थ भी अच्छा लग रहा है। पहले और आज की दृष्टि से बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है, क्योंकि बच्चों में इतना उत्साह है, अच्छा प्रदर्शनी बना रखी है, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ प्रदर्शनी भी इसमें जोड़ना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे है, तो अगली बार से इन बच्चों को थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है। हमारे विद्यालय में राजेश्वरी फाउंडेशन की तरफ से एक विज्ञान प्रदर्शनी लगी है, जिसके तहत हमारे भविष्य को किस तरह अच्छा बनाया जाए, हमें इसमें जानकारी मिलेगी। हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी लगी है, जिसे मैं देख रही हूँ, और आने वाले भविष्य में हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी हमें इसके तहत मिल सकती है।